समाधान से आप सबका स्वागत है। मैं कमल किशोर धीमान अपने समाधान चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे भी मेरे और भी एपिसोड्स आपको लगातार मिलते चलें और आपको पता चल जाए। इसमें आपको क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, चुटकुले, जोक्स आदि का समावेश मिलेगा, जो आपका पूरी तरह से मनोरंजन करने में सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय। एक दिन सिद्धू शराब के नशे में धुत सड़क के किनारे नाली में आधा लटका हुआ था। पुलिस वाला आया, उसने देखा, जानता तो था ही था। ओए बिंदु, इतनी मत पिया कर, नाली में क्यों पड़ा हुआ है, घर जा अपना, इतनी पी रखी है। बिंदु ने कहा, मैं क्या करूं, मजबूरी थी, पी ली। क्या मजबूरी थी तेरे को जो दारू पीता है इतनी? दारू तो थोड़ी पी नहीं थी, लेकिन बोतल का ढक्कन खो गया था। अंशु ने मुर्गे मुर्गियां पाले हुए थे। मुर्गा खिड़की में बैठा देख रहा था। अंशु की बीवी आई और बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आइए मैं चिकन सूप बना देती हूं। मुर्गा डर से कांपता हुआ बोला, मैम कुछ तो रहम करो, दवाई देके भी देख लो। नेताजी की बीवी परेशान अपनी सहेली से बोली, जी जी कुछ ना पूछो, आजकल ये रात को उठकर पांव छूने लगते हैं और कहते हैं, बहन जी मेरा ध्यान रखना, मेरा जनाब जी बगुला है। नो 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 नो। बिंदु नया कलर टीवी लेके आया और लाते सीधा बाथरूम में गया और टीवी के ऊपर में साबुन लगाया, सर्फ लगाया और पाइप से धोने लगा। लोगों ने बाहर खड़े होकर देखा, अंशु आया और, बिंदु क्या कर रहा है ये, टीवी क्यों धो रहा है? ओए मैं शर्ट लेके आया था, नहीं जब धोई तो सारा का एक्स्ट्रा कलर निकल गया था, रंगीन बड़ी बढ़िया चमक रही थी। पेंट लाया उसमें भी यही हाल था, खूब रंग निकला पहले, अब कलर टीवी लाया हूं, अभी खूब रंग निकल जाएगा, बाद में आराम से सही रंग दिखा के चलेगा। काश मैं इंजीनियर होता, फिर क्या करता बता दे। पेट्रोल के दाम सुनते ही मोटरसाइकिल भाग लेती, ऐसे ही गाड़ी बनाता। अरे विन्नी, तुम जानती हो मेरे अंदर में बहुत सारे टैलेंट छिपे हुए हैं, इतने टैलेंट हैं लेकिन सब छिपे हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से टैलेंट छिपे हुए हैं बताओ तो जरा। अरे बताऊं क्या, सारे तो छिपे हुए हैं। नो 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 नो। हवाई जहाज में और रॉकेट में बात हो रही थी। अरे रॉकेट मुझे देख, मैं कभी ऐसे जाता हूँ, कभी उल्टा चलता हूँ, कभी सीधा चलता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे,
सब तरफ के रंग देख लेता हूँ, सब तरफ की बातें कर लेता हूँ, अरे तू है, सीधा एकदम भागा चला जाता। राकेट ने कहा, बेटे हम हनुमान जी के वंशज के हैं, जब उनकी पूंछ में आग लगी थी तो सीधे उड़ के गए थे, पूरी लंका फूंक दी थी, फिर हमारी पूंछ में भी आग लगती है ना तो हम सीधे ही भागते हैं एकदम, जरा पूंछ में अपनी में आग लगवा के देखियो कैसे सीधा उड़ता चला जाएगा। बेकार में मार दिया मुझे, अरे मैं नहीं जाता तो अच्छा था। आए हे अंशु, क्यों क्या हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया क्या आज? अरे नहीं, बैंक वालों ने सारी हड्डियां हिला दी मेरी, अरे कमर बैठा भी नहीं जा रहा। क्यों, क्या डकैती मारने गया था? अरे नहीं, अकाउंट खुलवाने गया था, फार्म भर के दे दिया, तो कहते हैं दो आदमियों के नाम बताओ जिन्हें बैंक जानता हो। कहता फिर मैंने विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम ले लिया, उन्होंने फार्म फाड़ के फेंक दिया और कमरे में बंद करके जो कुटाई की है, आय हाय सारी हड्डियां हिला के रख दी, एक भी नहीं छोड़ी। नो 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 बॉस से कभी भी बहस नहीं करते, बॉस जो कहे चुपचाप मान लिया करते हैं। एक दिन बॉस ने मुझे कहा, बिंदु ये काम तुमसे नहीं होगा। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा किसी बात पे, आपकी बात सच है, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं करना ही नहीं चाहता। क्लास में बिंदु ने टीचर को कहा, सर हमने एक ऐसी चीज इवेंट की है कि हम दीवार के आर पार देख सकते हैं, ऐसा आविष्कार किया है। टीचर बड़ा खुश हुआ, कहता यार ये तो मजा आ गया, मेरे स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया कि दीवार के आर पार देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं आप, तो चलो दिखाओ मुझे। कहते जी जो दीवार है, हाँ जी इसमें छेद करिए, बाहर देख लीजिए सब कुछ जगह आ जाएगा। एक सुविचार, अनुभव अपना अपना, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा, खुद की सोच और खुद की कोशिश जिंदगी में कभी आपको हारने नहीं देती है। राम राम जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज।